दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक प्यारे से वीडियो में। तो गाइस सभी को हैप्पी, क्या है आज पता है? जन्माष्टमी, जन्माठा बोलते हैं हमारे इधर। तो सभी को जन्माठे की हार्दिक शुभकामनाएं। और गाइस सुबह के बज चुके पूरे सात, और है ना चाय वाय पी के रेडी एकदम। और ये जो आसन लगाए थे ना उनको क्या तह में लगा रही है अभी, और उधर उनकी पढ़ाई चलती रहती है। तो आज हमारा व्रत है गाइस, व्रत है कौन कौन का मेरा। हाँ मेन मुद्दा ये है कि गाइस आज हमारा पूरे दिन रहने वाला है व्रत। तो रात के 12 बजे तक हम कुछ नहीं खाएंगे, मतलब कुछ नहीं खाना है आज, है ना बेटा। और दिव्या के मामा राहुल भी व्रत है आज वो, और इसका व्रत हो नहीं सकता। और गाइस हम भगवान जी की दर्शन करने जाएंगे आज। राधा रानी बन के जाऊंगा। हैं क्या बात है, अच्छा लगूंगा, मजा आ जाएगा, है ना। हाँ। अब आप दूध पी लीजिए, है ना। तो गाइस आज जन्माष्टमी के उत्सव पर यहाँ पर है ना एक प्रोग्राम होएगा, हंडिया हांडी फोड़, और श्री राधा रानी झूलेंगे जब उनका बर्थडे उत्सव सेलिब्रेट किया जाएगा। तो आप है ना हमारे साथ में बने रहिए, हमारे ब्लॉग के साथ में, बहुत मज़ा आएगा आपको। और गाइस मैं तो आप जानते ही हो भजन संध्या मेरी चलती रहती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ब्लॉग को शेयर करें और बहुत ज़्यादा आनंद का लुत्फ उठाएं। धन्यवाद, जय श्री राधे। एक कोई ना हटा लो यार यहाँ से, यार क्यों परेशान कर रहे हो हमें। नहीं तो भगवान जी कहे ना व्रत करिए। तो गाइस इन्होंने ये देखो किससे बात कर रही है, कहाँ देखा, वीडियो कॉल कह रही है ना। तो गाइस इसकी बुआजी से बात चल रही है, और मैं ऑफिस से आ गया, काम धंधा सब एकदम बराबर करके अब मैं हम जूस बना लेता हूँ। मैं तो जूस शाम को चलेंगे, वहाँ तो शाम को प्रोग्राम है, तो मैं जूस वूस बना के पी लेते हैं। जब तक है ना आप मज़े करिए, चिल करिए, चिल। आज शाम के बज चुके पूरे 6, और मैं क्या नहा धो के दोबारा नहा लिया आज, मैं दो नहा धो के एकदम रेडी। कुछ सामान वामान लाना होगा व्रत का, क्योंकि इसमें अन्न नमक मिर्ची कुछ भी नहीं खाते, इसलिए कौन सी मिर्ची, लाल मिर्ची नहीं खाते ना। और गाइस ये है ना, ये हाँ, जिसने हमारा व्रत में ना बहुत बिघन डाला, लेकिन है ना जिनके इरादे मजबूत होते हैं, हौसले बुलंद होते हैं, तो वो कुछ भी कर जाते हैं। दिखा दिखा के है ना गाइस, देख लीजिए, दिखा दिखा के अभी मैंने चीला बना खा लिए। अच्छी बात है कोई हमारे, मतलब तुमने तो हमारी परीक्षा लेने की कोशिश करी, लेकिन कान्हा जी के वक्त है, कान्हा जी के खाओ तो हमने कम मना करा, लेकिन ऐसे थोड़ी है कि सामने वालों को परेशान करो। ये दिन भर उनका व्रत रहता है, ऑफिस का काम रहता है पूरे दिन भर, और आगे तुम ऐसी चीज़ें बना के लाते हो तो गलत है वो। बाकी गाइस चलते हैं, अभी कहीं सामान वामान ले आते हैं, और उसके बाद है ना मटकी पूजा, वो क्या क्या प्रोग्राम है, दो जगह, एक तो गौशाला है और एक गाँव में। तो यहाँ कब से वो 12 बजे होता है वो, तो गाइस मजा आएगा। वो मटकी वाला वही है ना जो पहले के बार ऊपर लटका दी, दो चार ऊपर नीचे सेंटर फोड़ दी। हाँ वही 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 मटकी वाला प्रोग्राम है। तो गाइस और गाइस रात के बज चुके हैं 11:52, मात्र 8 मिनट का समय बचा है कि उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मदिन उत्सव मनाया जाएगा। तो गाइस हम रेडी हो गए ना एकदम, कपड़े वपड़े पहन के, और अब हम चलने वाले हैं। दो मंदिर हैं यहाँ पे, एक मंदिर और दो में गौशाला वाला मंदिर और एक गाँव का मंदिर, तो आपको दिखाएंगे, आप बने रहना हमारे साथ। चल रहे हैं, अभी तो 8 मिनट बच रही है। तो गाइस ये भी आ गए, अच्छा प्रसाद ले लिए क्या? हाँ केला। अच्छा 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 थैंक यू। तो गाइस सब हम चलते हैं, वो और आगे थोड़ी देर में इंतजार कर रहे हैं उनका। और गाइस गाड़ी पे जाएंगे और हम पैदल जाएंगे। चलो बेटा मैं भी पैदल ही चल रहा हूँ, गाड़ी से नहीं जाएंगे, है ना। वो आ गए अंकल और आंटी, और अब अपन सभी चलेंगे मिलके, है ना। बोल जय श्री कृष्ण भगवान की जय हो। आ चुके हैं मंदिर में हम, अभी थोड़ी देर बाद होगा सोना मस्त वाला प्रोग्राम दिखाएंगे। क्या मधुर आवाज है इनकी गाँव में।
तो गाइस अब हमें यहाँ से चलना होगा। आ जाओ भाई। तो गाइस भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हो चुका है, पूरे 12:30 बज चुकी है। ये टॉफियां लेकर आई है और ये आज गाइस हम बिना प्रसाद के आ गए, पता है उसके पीछे एक कारण था। हमारे लाइट काट रहे हैं, क्या करें, लाइट के ऑर्डर आगे से आ रखे हैं, एलडी आ रखी है, तो उसके कारण हमें एकदम से आना पड़ा। और मुझे बहुत बुरा लगा पहली बार आज के, भाई भगवान जी की आरती चल रही थी उस समय लाइट काटने के आदेश आए, वेरी बैड न्यूज़ यार। लेकिन क्या करें, कर्तव्य बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस प्रकार हमारे भगवान जी का आज जन्मदिन हमने मनाया। और क्या है कि मटकी वगैरह सारे प्रोग्राम देखे, अब हम खाना खाएंगे, क्या बनाया है क्या नहीं बनाया। इस लाइट को एक बार सही कर दिया है और उसके बाद में अब हम जाते हैं पंजूरी लेकर, प्रसाद नहीं लाए थे हमें ना, तो प्रसाद लेने हमें जाना होगा, तो प्रसाद ले आते हैं हम। उसके बाद में ये इधर बना रही है क्या, हलवा नहीं है ये, आलू वगैरह वगैरह क्या है पता नहीं है वो तो। बट चाबी खाएं, चाबी कैसे ये मैं अभी जाके लेके आता हूँ। गाइस फाइनली प्रसाद में ले आया हूँ, प्रसाद ले आया थैली में। और गाइस ये अब हमारा व्रत खोलने का समय हो गया है। तो गाइस हमने बनाई है क्या पता है आपको, ये तो होगी हमारी खीर, ये मिठाई है, ये आलू है और है ना एक ऐसा पूरी पूरी और बनाई है। तो और गाइस मैं नहीं खाऊंगी, मेरे पापा का बड़ा आपको भी खिलाएंगे। हाँ उल्टा झुलटा नहीं करना बेटा, आपको भी खिलाएंगे। ओके डोंट वरी अबाउट दैट, है ना, अभी थोड़ी देर में। ओके हाँ तो गाइस खाना खा लेते हैं। हम मंदिर गए ना तो मुझे इतनी सारी टॉफी मिली, बहुत ज्यादा टॉफी लूट के लाई है, है ना, लुटेरी है, खा गई पूरी। खा गई। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं अपने भोजन पर और अब हम व्रत खोलने वाले हैं। तो गाइस किसी को खाना है, व्रत खोलना है तो आ सकता है हमारे पास में। और ये साहब जी ऊपर है और हम नीचे, तो हमारे खाने में तो आ चुका है, आपको बता ही दिया था हमने पहले ही। तो गाइस नंद के घर आनंद भाई जैक कन्हैया लाल के साथ आज ब्लॉग को यहीं शुरुआत अंत करते हैं। और धन्यवाद, गुड नाइट, सब्बा खैर, शुभ रात्रि।